रिया, I'm saying to you something यार, तो सुन रही है? इतने 5 दिन तक तू बता नहीं क्या-क्या सुन रही है तो मेरे से earpods हर time earpods, इसी तो अपना office भी छोड़ रही है तू तो अपना, यार क्या हो गया इतना हंसती, कभी दुखी होती, कभी हैरान होती, क्या है तेरा एक कैसा mood बना है temperature, और तू मुझसे बात भी नहीं करती तो भाई या क्या रिया? अगर मुझे कुछ बोलने देगी यार What speaking? I can't speak enough. I will see you. I'm using Pratilipi app. You know what's Pratilipi app? I will tell you. Pratilipi app is a good app that you doesn't know. It's called, you know, 2 billion people have downloaded it. Now I will show you what's Pratilipi app. My name is French YouTuber. This is a Pratilipi app. You can find everything, so many stories, you loved it, there was thousands of stories in here, download it and listen, funny stories, why I made mood, you are saying why I made mood, I am making mood, because of this Pratilipi app, because that Pratilipi app is very nature, he is making a mood, funny, smiling, sadding, crying, everything of the mood. There was emotions also. I'll be sure you want this story one. Like love story, like which mood of you want. You can take you one emotional story. I'm writing a funny story. You want to listen? I'm writing a funny story. I will show you. Which story? I'm listening this one story. It's very funny. Do you know what happened? इसमें एक ड्राइवर होता है बस का और वो बस का ड्राइवर चलाता है उसकी जो पेशेंट होती है वो उससे पढ़ती है भैया ना धीरे चलाओ ना उसके बाद वो बोलता है मैडम हम धीरे ही चला रहे हैं उसके बाद उसकी मैडम तो बड़ा रिच होकर आती है तब वह बोलती है मैंने कैसा बस ले लिया भैया आप तेज चला रहे हैं धीरे चला रहे हैं और जब उसने तेज चलाना शुरू किया तो तब वो बोल रही है कि इतना तेज क्यों चला रहे हो और जब उसने धीरे चलाना शुरू किया तो उसके बाद वो बोले इतना देर कैसे चला रहे हो मैं पहुँचूँगी कैसे तो वो बोलता है कि मैडम अगर मैं तेज चलाऊँ तभी भी आपको दिक्कत धीरे चलाऊँ तो तभी भी आपको दिक्कत अगर नॉर्मल स्पीड में चलाऊँगा तो मेरा पेट्रोल सारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो बोलती है ऐसा क्या है मैं तेज स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ मैं कि अगर तेज स्पीड में मैं चलूँगी तो मेरी एक्सीडेंट हो जाएगी तुम्हारी ऑटो के साथ और अगर मैं धीरे स्पीड में चलूँगी तो मैं जल्दी भी नहीं पहुँचूँगी और मेरे को अपनी जॉब में डांट पड़ेगी तो बस ये रहा पिक्चर भी दिखा के आपको कर देती हूँ उसके बाद में मैडम बहुत गुस्सा होती है बोलती है कि आप रुकिए मैं किसी और स्टेशन से चले जाऊँगी और उसे बोलता है ठीक है आप मेट्रो से ही चले जाइए तो वो बोलता है क्योंकि मेट्रो उसने उसको मेट्रो तक छोड़ते जितना धीरे तेज चल सकता था तो उसके बाद दूसरा पेशेंट आया दूसरे पेशेंट को तो नॉर्मल ही लेकर जा रहा था दूसरा पेशेंट जल्दी पहुंच गया उसके बाद वही लेडीज उसके ऑफिस के सामने उसका भाई पहुंचा था ना उसका भाई को वो बोलती बोलती है उसका वही ऑटो वाला था ना तो उस ऑटो वाले को वही बोलती है भैया आपने मेरे भाई को तो अच्छा छोड़ दिया बट मुझे नॉर्मल स्पीड में नहीं कभी तेज कभी धीरे ऐसा स्पीड में क्यों किया आपने मेरा भाई तो जल्दी पहुंच गया उसे बिल्कुल डांटनी पड़ेगी पर मेरे को तो डांटनी पड़ी क्योंकि मैं मेट्रो से गई बट मेरा भाई तो जल्दी पहुँच गया उसको अपने रूम में जल्दी पहुँच जाएगा तो वो सब ऐसा बोलती फिर उसके बाद ऑटो वाला बोलता है मैडम आपका भाई हमें अच्छा लग रहा था आपको तो धीरे से भी प्रॉब्लम थी तेज से भी प्रॉब्लम थी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपना मोबाइल लगा के क्या बात कर रहे हो अपना मोबाइल लगा किससे बात कर रहे हो अकेले अकेले और किससे बात कर रहे हो अगर आप आज गाड़ी चलाते होते ऑटो चलाते तो आपकी तो एक्सीडेंट ज़रूर होती ना तो मैं इसी से तेज का भी धीरे चला रहा था आप चुपी चुप क्योंकि मेरे को पक्का लग रहा था कि आपकी एक्सीडेंट ज़रूर होगी उसके बाद से वो बहुत गुस्सा हो गया उसका बॉस उसे बहुत डांटता है क्योंकि वो 10 मिनट लेट हो गई उससे बात करते तो ऐसा हुआ उसके बाद वो लेट हो गई उसके बाद से क्या होना था उसकी बॉस ने डांटा इस वजह से मैं क्यों हंसी इसमें एक तरफ हंसी नहीं थी कारण मेरे को बहुत हंसी आई तो वो ऑटो का ऐसा बोल दिया जब ऑटो वाला उसकी बेइज्जती कराता है बेचारी तो ऐसे बच्चों के लिए भी ऐसे स्टोरीज है लो लल्ला लल्ला लोरी एक ही है ये लल्ला लल्ला लोरी जो काफ़ी है तो ऐसे लंडा लल्ला लोरी वंडर फॉरी ओके तो बस ये बिल्कुल फ्री है डाउनलोड द Pratilipi app सॉरी ऐप डाउनलोड फोन पे कुछ लगा है
मेरे चेहरे पर कुछ गंद तो नहीं लग रहा ना, मेरे चेहरे में कुछ अजीब सा है क्योंकि मैंने ना उस पर कुछ लगाया नहीं। हेलो, ये एक ही जगह स्टैचू रखा मेरा। सो गया